हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी से हमने ये देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसे डिटरमाइन किया जाता है। और ये देखा था अगर सेंट्रल एटम उसके पास में लोन पेयर हो तो उस लोन पेयर को उस प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पर रिपल्सन मिनिमम लगे, ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। साथ में ये भी देखा था कि अगर सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आने के साथ साथ में बॉन्ड एंगल वो चेंज हो जाएगा। और जनरली देखा जाता है सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड एंगल वो डिक्रीज होता है। फिर ये देखा कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके बेसिस पे बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बेसिस पे देखा कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेफ्ट एटम, ठीक है। ये हमने वेस्पर थ्योरी इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए ड्रेगो रूल। देखो ड्रेगो रूल में क्या बोलता है, ड्रेगो क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग क्या था। इन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री मॉलिक्यूल बने, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, जीरो हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर होता है। कब ऐसा हुआ है उसके लिए देखो ड्रेगो ने क्या बोला। ड्रेगो ने बेटा कहा, इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपके पास में थर्ड पीरियड एलिमेंट है या थर्ड पीरियड के बाद वाला एलिमेंट है, थर्ड पीरियड और आफ्टर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, जनरली उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया था वो माइंड में सेट रख लेना, 15 और 16 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए बनाया था, उसके लिए बताया था इन्होंने। क्या बताया था फिर से सुनिएगा, इनके अकॉर्डिंग क्या था, अगर थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के बाद वाला कोई एलिमेंट है और उससे जुड़ा हुआ लेटरल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है तो उस कंडीशन में सेंट्रल एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट मींस वहां पर जीरो हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर्ड होता है। इट मींस वहां पर प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल ही मॉलिक्यूल बना रहे। इट मींस इसका मतलब क्या है, या ये कहना गलत होगा कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहेंगे कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल है वही बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और पी के बारे में ये जानते हैं, पी है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो मॉलिक्यूल है उनका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रेगो या अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड पीरियड और आफ्टर थर्ड पीरियड का मतलब फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड इसके लिए। और जनरली बात बेटा मैं ड्रेगो के अकॉर्डिंग किसके लिए था, 15 एंड 16 ग्रुप के लिए। तो इन्होंने देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड पीरियड और आफ्टर थर्ड पीरियड एंड अटैच्ड लेटरल एटम, इनसे जो अटैच्ड लेटरल एटम है उसकी बात कर रहे हैं, एंड अटैच्ड लेटरल एटम हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, किससे कम है, लेस देन 2.5, देन इन दिस कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो यहां पर क्या होगा, ऑनली प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑनली प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्स बॉन्ड। तो उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, ओनली प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड। दैट्स वाई पी में आप देखते हो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री।
तो इसलिए उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितने का मिलेगा, 90 डिग्री। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल इज ऑब्जर्व ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। क्लियर हो गया? देखो एग्जांपल लिख रहा हूं, 15 ग्रुप वाले, जैसे अमोनिया NH3, इसके हाइड्राइड है, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा ये तो सेकंड पीरियड का है, यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है, ये पढ़ चुके अपन, कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट आपको कितना मिलता है, 106.5 डिग्री, ऑलमोस्ट 107 डिग्री। और यहां पे देखते हैं बॉन्ड एंगल वो ऑलमोस्ट कितना मिलेगा, 90 डिग्री। हालांकि इसमें 93, 92, 91 ऐसे लगभग में बताते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कितना, 90 ही मानेंगे इसको। इट मींस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। आपसे ये पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PS3, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद वाला है, थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले में लेटरल एटम अगर 2.5 से कम EN वाला है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। और बता देते हैं 15 ग्रुप बता दिए, तो हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप, हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप, ऐसे 16 ग्रुप देखो, देखो 16 ग्रुप। यहां पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट होता है 104.5 डिग्री, और इसके अंदर भी बॉन्ड एंगल देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? तो बेटा हमने पढ़ा ड्रेगो रूल, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये नई टर्म आपके लिए। बच्चे ये सोच के आते हैं कि हमेशा मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग होती है, सब कंसेप्ट पढ़ के आते हो, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल 15 और 16 वालों को याद रख लेना, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अकॉर्डिंग टू ड्रेगो, ड्रेगो ने क्या बोला था कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और उसके बाद वाला हो और लेटरल एटम की EN 2.5 से कम हो तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में नहीं होता। नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बेंट रूल, नोट कर लिया। अब देखिए ड्रेगो रूल के बाद में हमको डिस्कस करना है बेंट रूल, देखिएगा बेंट रूल क्या होता है और बेंट रूल इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती, क्यों बेंट रूल देना पड़ गया। देखिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्रेगो समझ में आ गया? अब देखिए आगे का बेंट रूल, नेक्स्ट है बेंट रूल, बेंट रूल। सबसे पहले बेंट रूल है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी? देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है, उनकी शेप सेम या डिफरेंट शेप वाले होते हैं, आपस में कंबाइन होकर सेम शेप वाले न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनका नाम था हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिसाइड होती है, और वहां पर जो बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड के अंदर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब इक्वल होती है। लेकिन याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये होती है TBP ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होता है, sp3d। तो ये 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल किससे बने, sp3d से बने, ये तो होगा ना हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो एनर्जी उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो ऑर्बिटल होंगे वो इक्वल एनर्जी वाले होंगे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन याद कीजिएगा मैंने ये बताया था इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये तो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं, और ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये तो लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, तो इसको तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, बेंट रूल ने। साथ में इन्होंने ये बताया था कि यहां पर लॉन्गर बॉन्ड और शॉर्टर बॉन्ड क्यों हो जाते हैं, साथ में इन्होंने ये बोला था कि लॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लॉन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन ऑर्बिटल्स को यूज में लेते हैं जहां पर एस करेक्टर हाई होता है। क्लियर हो गया? क्या बताया फिर से मैं बता देता हूं, एस करेक्टर जहां पर हाई होंगे उनको लॉन पेयर, उन ऑर्बिटल्स को कौन यूज में लेगा, लॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जहां पर एस करेक्टर कम होंगे
उन ऑर्बिटल्स को यूज में लेता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? तो देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, पॉइंट्स के बेसिस पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं दो पॉइंट्स में इसको कंक्लूड करता हूं। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूं, आपको क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यूज्ड दोज ऑर्बिटल विच हैव मोर एस कैरेक्टर। ठीक है, लिखिएगा, लोन पेयर, लोन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज्ड यूज्ड दोज ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव मोर एस कैरेक्टर, विच हैव मोर एस कैरेक्टर, व्हाइल व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लेस एस कैरेक्टर। बेटा लेस एस कैरेक्टर बोल दो या फिर क्या बोलते हैं, मोर पी कैरेक्टर भी बोलते हैं। एस और पी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें पी कैरेक्टर कम होगा, और पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें एस कैरेक्टर कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसके बेसिस पे जो टीबीपी ज्योमेट्री है, जहां पे आपके माइंड में कंफ्यूजन आया था कि हाइब्रिडाइजेशन तो ये बोला था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी तो इक्वल होगी सभी ऑर्बिटल्स की, या जो भी बॉन्ड फॉर्म होंगे थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन टीबीपी ज्योमेट्री में ऐसा नहीं हो रहा था। उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक स्टेटमेंट दिया है कि बेंट ने क्या बोला था अपने फर्स्ट रूल में, कि लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन ऑर्बिटल्स को यूज में लेते हैं जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किन को यूज में लेंगे, जहां पर एस कैरेक्टर कम होते हैं। क्लियर हो गया, नोट कीजिए, या मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, मोर एस कैरेक्टर ऑर्बिटल्स, मोर एस कैरेक्टर ऑर्बिटल है वहां पर कौन जाएगा, लोन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जहां पर लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर हुआ वहां पर कौन जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर एस कैरेक्टर और लेस एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स के बेसिस पे आपको बताएं, और इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि टीबीपी है उसमें डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड क्यों मिले थे। इसको नोट कर लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं टीबीपी ज्योमेट्री के बेसिस पे, और उसका भी एक्सप्लेनेशन बता रहे कि वहां पर डिफरेंट साइज के बॉन्ड क्यों मिल रहे थे। देखिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स और जनरल बता देता हूं, आप जानते भी हैं, इससे पहले भी एक दो बार डिस्कस हुआ कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर, और बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी या एस कैरेक्टर। देखो ये ध्यान में रखना, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर, और ये भी लिख सकते हो आप, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर। ठीक है, ये माइंड में सेट रखना। और आप ये भी जानते हैं बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, या इसके बेसिस पे ये भी कह सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
पी करेक्टर, पी के बेसिस पे बताएं तो दस उल्टा हो जाएगा। ये भी कह सकता हूं मैं बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी करेक्टर, क्योंकि एस की इनवर्स है, और बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर। क्योंकि बेटा कई बार स्टेटमेंट में पी करेक्टर आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो एस के बारे में जानते हैं, एस और पी एक दूसरे को इन्वर्स कर दो बस। अब देखिए आगे, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो आपके पास में, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता, वहां पर ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टीबीपी, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री। अब देखो इसी ज्योमेट्री को मेरे को एक्सप्लेन करना है। यहां पर मैंने देखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर और बाइपिरामिडल ये बोल सकते हो, और हम ये जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वो तो sp2 से भी बनती है, याद कीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास में 2 हो तब sp, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तब हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, और sp2 में ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, याद है। तो ये थी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, एक तो ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, मैं दोबारा से इसको बना रहा हूं, ये ट्राइगोनल प्लेनर। इसका फॉर्मेशन तो किससे हो जाता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 बॉन्ड बन रहे, एक s हो गया 2p, रिमेनिंग कितने बन गए sp3d में, sp2 ने तो क्या बना लिया, ट्राइगोनल प्लेनर, साथ में बाइपिरामिडल बच रही, इसका मतलब बाइपिरामिडल कौन बनाएगा, pd। टोटल 5 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल sp2 के थ्रू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, pd ऑर्बिटल इसका मतलब किसका फॉर्मेशन करेंगे, इसका बाइपिरामिडल का, ये किससे बन गया, pd। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो ये इक्विटोरियल बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड, ये होता है इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, एक्सियल बॉन्ड, ये होता है एक्सियल बॉन्ड। अब देखो एस करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, इक्विटोरियल में, ऐसे इसमें तो ऐसा ही नहीं, वैसे देखा जाए या इसमें ये कह सकते हो पी करेक्टर ज्यादा है, इस वाले में ये देखोगे यहां पे क्या ज्यादा है, एस करेक्टर हाई, एस करेक्टर मोर, और एस करेक्टर ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या मिलेगा, हाई बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बेटा बॉन्ड लेंथ कम है इसलिए ये वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड है वो शॉर्टर बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड कौन से हो गए, शॉर्टर। अब एक्सियल बॉन्ड पे कंसंट्रेट करो, एक्सियल बॉन्ड में कौन से करेक्टर ज्यादा है, पी करेक्टर ज्यादा है, एस तो है ही नहीं, या ये कह सकते हो एस करेक्टर कम है ये मान लिया हो, या ये कह सकते हो पी करेक्टर हाई है, 50% पी करेक्टर यहां पे, तो पी करेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, पी करेक्टर हाई होने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसलिए वाले बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसमें मतलब क्या होगा, लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था जैसे PCl5 है वो TBP ज्योमेट्री में होता है, और उसका थर्मल डीकम्पोजिशन भी देखा था किसमें टूटा था, PCl3 और Cl2 में, और मैंने वहां पे ये बताया था आपको कि एक्सियल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, देखो लॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो टीबीपी ज्योमेट्री है उसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड हम देख रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड हो गए, मैं इधर फिर से लिख रहा हूं, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहां पर इसके बेसिस पे मैंने ये देखा कि यहां पर एस करेक्टर की बात करूं, इसमें ज्यादा है मोर, क्योंकि ये किससे बन रहा है, sp2, और ये किससे बन रहा है, pd से, pd ऑर्बिटल से, यहां पर मोर है, ये वाला क्या होगा, लेस। पी करेक्टर की बात करूं तो यहां पर लेस होगा, एक्सियल में क्या होगा, मोर। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या होगी, ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा होता है वहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जहां पर एस करेक्टर का वहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स होती है, ये लेस ये वाली मोर।
बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। तो इसकी बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई मोर, और ये क्या होगी, लेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपको पढ़ा, फर्स्ट हमने ये देखा कि टीबीपी है उसमें दो टाइप के अलग अलग साइज की बॉन्ड लेंथ क्यों मिल रही थी। तो क्लियर हो गया क्या, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये माना था कि sp3d सभी है, sp3d है, इनसे ये पांच बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन बेंड ने क्या बताया, पांच इससे नहीं बने। टीबीपी तो किससे बन गया, sp2 से, और एक्सियल किससे बना, pd से। और ये हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s कैरेक्टर, और बॉन्ड लेंथ होता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल s कैरेक्टर। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट है और ये इनवर्स। एक और चीज बता देता हूं मैं, बॉन्ड एंगल भी साथ में बता देता हूं, उसके बाद में नोट कर लीजिएगा। बॉन्ड एंगल होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s कैरेक्टर, क्योंकि बहुत बार नीट में बहुत सिंपल सा जानते भी है, अभी देखो आपके माइंड में सेट होगा। मैंने आपको ये बताया बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s कैरेक्टर। देखो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन तो जानते हो ना, एक मैंने लिखा sp हाइब्रिडाइजेशन, एक मैंने लिख दिया sp2 और एक मैंने लिख दिया sp3। यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो यहां पर कितना 50%, यहां पर ऑलमोस्ट मैं लिख रहा हूं 33%, और यहां पर कितना हो गया 25%। इसमें s कैरेक्टर ज्यादा, और याद करो sp की ज्योमेट्री क्या होती है, sp होता है लीनियर, और लीनियर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखो जैसे जैसे s कैरेक्टर कम होता जा रहा है बॉन्ड एंगल भी कम होगा, इधर s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। चलो इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी बता देता हूं, सेकेंड बेंड रूल भी बोल सकते हो। इसमें क्या बोला था इन्होंने, ये वाली बात क्लियर होगी, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी जो बता रहे हैं ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इनको गलत भी कराते हैं। देखो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, इन्होंने क्या बताया बेटा, बेंड ने ही बोला था कोई एक मॉलिक्यूल आपके पास में, उस मॉलिक्यूल में आपके पास में एक बॉन्ड के अंदर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पर कौन से कैरेक्टर हाई होंगे, एस कैरेक्टर। तो एक बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो पास वाले में जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा उसमें एस कैरेक्टर कम होंगे। फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैंने ये बोल दिया ये कोई एटम ए है, इसके साथ में इधर बी जुड़ा और इधर सी जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ईएन बी की ज्यादा है सी से, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहां पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको ये बताया था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर है वहां पर क्या बढ़ जाता है, एस कैरेक्टर। यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ गया तो यहां पर एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, या पी कैरेक्टर बढ़ गया ये बोल सकते हो, और एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, इसकी तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। जबकि यहां पर एस कैरेक्टर कम हो गया या पी कैरेक्टर बढ़ गया, पी कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। फिर से समझिएगा, मैंने यहां पर ए के साथ में बी और सी जोड़े, दो बॉन्ड बनाए, एक बी के साथ एक सी के साथ, मैंने ये बोल दिया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पे होगा वहां पर एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो एक बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ता है तो दूसरे में एस कैरेक्टर कम हो जाता है, बस ये माइंड में सेट रखना। और बाकी सब जानते हो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो इन्हें मॉलिक्यूल देखो, इन्हें मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में इफ एस कैरेक्टर्स आर इंक्रीज्ड, एस कैरेक्टर्स आर इंक्रीज्ड, इन ए पर्टिकुलर बॉन्ड
और वो पर्टिकुलर बॉन्ड कौन सा होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला। तो मैं लिखा इन ए मॉलिक्यूल इफ एस कैरेक्टर आर इंक्रीज इन ए पर्टिकुलर बॉन्ड देन एस कैरेक्टर विल डिक्रीज्ड इन अनदर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? जिसके साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम ये जान चुके हैं बेटा, ये पढ़ चुके हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है EN, जिसकी मोर है वहां पर क्या होगा? S कैरेक्टर कम होंगे, P कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। और जिसमें EN जिसकी लेस है, जिस एटम से जुड़े हुए बॉन्ड की, वहां पर क्या होगा? S कैरेक्टर बढ़ेंगे। और साथ में हम ये जानते हैं S कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी एंड S कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। S कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी एंड S कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। या P से भी रिलेट कर सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। अब देखिएगा आगे, एक क्वेश्चन से करवाता हूं मैं, देखो क्या बताना चाह रहा हूं, क्या क्वेश्चन बनता है, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, बस ये माइंड में सेट रखिएगा, एक में एस कैरेक्टर बढ़ता है तो दूसरे में कम हो जाता है। अब देखो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इन N2H4 एंड N2F4। N2H4 और N2F4 है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ है, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, देखो कैसे कंपेयर करेंगे। N2H4 और N2F4 है, इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये N2H4 है, इसकी बॉन्ड लेंथ मैं ये मान लेता हूं, ये वाली बॉन्ड लेंथ है एक्स एंगस्ट्रॉम, ये मान ली। कई बार ऑप्शन से भी पूछ लेते हैं, ऐसे दो मॉलिक्यूल दे दिया, इसकी बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है एक्स और इसकी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है वाई, एक्स और वाई इसको कंपेयर करना है। फिर इधर लिख रहा हूं मैं, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके साथ में क्या जुड़ा? फ्लोरीन, ये अटैच्ड, और यहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ है वाई, वाई एंगस्ट्रॉम मान ली। अब बेटा यहां पे देखिए, ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसके बेसिस पे लेटरल एटम के बेसिस पे बताओगे, यहां पर ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये वाला क्या है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पर एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ गए, यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ गए तो इसका एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। और बेटा एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, ये बोल सकते हो पी कैरेक्टर बढ़ गया, और पी कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। फिर से बताए, लेटर एटम हाइड्रोजन है और इधर क्या है? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया हाइड्रोजन, तो यहां पर एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इधर एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या ये कह सकते हो पी कैरेक्टर बढ़ गया, तो इससे बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इधर देखिएगा, इधर बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन कंपैरिजन में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। इधर एस कैरेक्टर कम होगा तो इधर एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और इधर एस कैरेक्टर बढ़ गया तो पी कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, पी कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या ये कह सकते हो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी,
तो पी करेक्टर डिक्रीज होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी। यानी पी करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, सॉरी उल्टा बता दिया क्या, यहां पे तो क्या हो पी करेक्टर बढ़ा, हाँ सही है ना, पी करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। यहां पर पी एस करेक्टर बढ़ा, एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो गई। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर बेटा हाइड्रोजन ऐसे कंपेयर करना होना, यहां पर हाइड्रोजन यहां पर फ्लोरिन है, एस करेक्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो यहां पर एस करेक्टर ज्यादा होंगे, तो पास वाले बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ तो इसकी कंपेयर करना, तो इसमें एस करेक्टर कम होंगे, एस करेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इधर देखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसका एस करेक्टर कम होगा तो पास वाले का एस करेक्टर बढ़ जाएगा, एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी ये बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो यहां पे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और यहां पे कम हो रही है, इट मींस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाले एन टू एफ फोर में एन एन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू एन टू एच फोर के एन एन से। नोट कर लीजिए, एक और करवाता हूं मैं, उसको अपने से थोड़ा सा डील कीजिएगा, एक और बता देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया बिटा दे, देखिएगा देखिए क्या संशय करवा लो, कंपेयर द ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हो। इन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एंड O2F2 इसको कंपेयर करना है। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कुछ भी मान लो, ये मान लिया एक्स है, इसकी भी ऐसी होगी और यहां पे ये मैंने मान ली वाई। अब कंपेयर कर दो, वो ये सेम मेथड है, यहां पर ओ करना है तो पास वाले को देखो, पास वाले को देखो, यहां पर क्या मिलेगा आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला क्या हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पर एस करेक्टर बढ़ेंगे, यहां पे एस करेक्टर बढ़ेंगे तो ये एस करेक्टर कम होंगे, एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ तो इसकी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी डिक्रीज लेकिन बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। यहां पे देखोगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एस करेक्टर डिक्रीज, यहां पर एस करेक्टर डिक्रीज होंगे तो यहां पर एस करेक्टर बढ़ेंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एस करेक्टर बढ़ेंगे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है ये तो बढ़ जाएगी लेकिन बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का कंपेयर करवाओ तो किसमें ज्यादा होगी O2F2 में और बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा हो रही है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, इट मींस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं फिर बेंट्रोल है, इसके बेटा लिमिटेशन बताता हूं मां बाप, ये तो समझ गए ना, दो पॉइंट है सिंपल सा बेटा, एस करेक्टर है ये ध्यान में रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एस करेक्टर, कौन से ऑर्बिटल को यूज मिलेगा जिसका एस करेक्टर कम है और लेस वाला कहां पे आएगा जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होंगे, बस इतना ही माइंड में सेट करना है। और ये तो आपको पता है एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी एंड एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अब इसके बारे में बेटा इसकी लिमिटेशन बताते हैं, किस टाइप से कंपैरिजन कहां पे तो आप कर सकते हो और कहां पे नहीं कर सकते, तो लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ बेंट रूल। हेडिंग डालिएगा लिमिटेशन ऑफ बेंट रूल,
लिमिटेशन ऑफ वेंट्रू, वेंट्रूल उसकी लिमिटेशन की बात करें, वेंट्रूल उससे आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल इनके कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब सेंट्रल एटम सेम हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। अगर डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वहां पर कंपैरिजन नहीं होगा, तो ये इसकी लिमिटेशन है। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल थ्रू बेंट रूल इज पॉसिबल या ये लिख सकते हो इज पॉसिबल ओनली व्हेन या व्हेन सेंट्रल एटम, व्हेन सेंट्रल एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम आर सेम। बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इसकी कंपैरिजन का पॉसिबल है जब सेंट्रल एटम सेम हो और उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, अदरवाइज ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। देखो एग्जांपल से बता रहे, जैसे मैंने ये कह दिया कि इनका कंपैरिजन करो N2H4, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, और N2O4 इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर देखोगे N2H4 ये होता है N2H4, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से कैलकुलेट करेंगे मोर देन वन, सेंट्रल एटम है तो कितना हो गया 1 2 3 3, तो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। N2O4 को देखोगे ये वाला होता है N2O4, ये होगा N2O4। यहां पे देखो लोन पेयर है नहीं, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, कोऑर्डिनेट भी सिग्मा है, तो कितना होगा 1 2 3 3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। तो यहां पर मैं x और y दे दूं तो बेंट रूल के थ्रू इसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्लियर हुआ। तो यह था बेटा बेंट रूल। चलो एक और बात मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ये आपका बेंट रूल हो चुका है, आगे देखिएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं मैं, एक आपने देखा PCl3 बनता है, ये एग्जिस्ट करता है, PCl3 एग्जिस्ट, PCl5 ऑल्सो एग्जिस्ट, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हमने देखा था फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर कितना होता 15, ये था 3s2 3p3, और ये था 3d0, ठीक है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3, 3 कोवलेंसी किसके लिए रिक्वायर्ड है PCl3 के लिए, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा PCl3। अब क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे चला गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, इसमें चला गया, इस वाले एनर्जी गैप को कर लेता, तो ऑक्साइडेशन पॉसिबल है, तो कितना हो गया डी में पॉसिबल है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइडेड स्टेट, तो यहां पर क्या होगा PCl5 है, यह भी बन जाएगा। बट PS3 एग्जिस्ट, PS3 एग्जिस्ट, लेकिन PH5 है सिमिलर, ऐसे ही डज नॉट एग्जिस्ट,
ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? पीएच थ्री तो बन जाएगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पीएच फाइव के केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे नहीं जा रहा, ये तो होगा ना, ये तो बन जाएगा, ये तो ग्राउंड स्टेट में, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहां पे क्या बनेगा? पीएच थ्री, ये ग्राउंड स्टेट। पीएच फाइव उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे जाना चाहिए, ये तो होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर आगे जाएगा तब यहां पे पीएच फाइव बन सकता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ये तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब इस टाइप का एक्साइटेशन ये पॉसिबल नहीं है, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होता? इसका रीजन बता रहा हूं, सुन लेना बेटा। डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दिस एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन से केस में नहीं होता? जब इलेक्ट्रॉन किस में जाना हो? डी, क्योंकि डी की एनर्जी इनकी कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हाइड्रोजन इज नॉट एबल टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? ऐसे बेटा और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H2S बनता है लेकिन H4S नहीं बनता, जबकि SF4 तो बनता है। तो ये तो तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर जाएगा, ये तो ग्राउंड स्टेट में बन गया, जबकि फ्लोरीन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है उसको पार कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन उसकी ई एन कम होने के कारण उस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? तो ये बेटा कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया। तो ये था बेंट रूल और ड्रेगो रूल, समझ में आया होगा अच्छे से। जो भी बताया उसमें बेटा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास में सीट बुक किसी भी टाइप की कुछ भी है बेटा, कोई भी बुक खराब नहीं होती, सब अच्छे ही होते हैं। तो जो भी मटेरियल आपके पास में उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।